Hi, this is Waleed Malik and you are watching People Magazine Pakistan. Ji alhamdulillah ji hamare jo projects hain market ke they are the best selling projects. Hum logon ka ab project launch karte hue bhi sochna padta hai ki usko kis time pe launch kare ki kuch thoda sa chunk kya apni company ke liye aur kuch apne executive clients ke liye bacha ke rakhe. It's all about commitment. Hum log alhamdulillah commit karte hain, wo hum deliver karte hain. हम विद इन 6 to 7 months हम अपना पूरा प्रोजेक्ट सेल कर देते हैं जस्ट कॉज ऑफ कमिटमेंट. लेकिन ट्रांसपेरेंसी बड़ी ज़रूरी होती है रियल एस्टेट की ट्रांजेक्शन के अंदर. जिस टाइम पे हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये चीज़ अब बहुत कम हो गई, लेकिन पहले ये चीज़ बहुत कॉमन थी कि कोई भी बंदा इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था कि अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो हर बंदा इस चीज़ पे होता था कि शायद मुझे जो है कोई हिडन चार्जेस इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उसके ऊपर. बट आफ्टर सम टाइम अब हमने भी इसके ऊपर भरपूर कोशिश की है. हम बहुत सी इसकी चीज़ों को डिजिटलाइज कर रहे हैं, हम लोगों के सामने ये चीज़ लेकर आ रहे हैं ताकि रियल एस्टेट की ट्रांजेक्शन्स को रिफॉर्म, ट्रांसपेरेंट और क्लीन रखने के लिए आप कुछ रूल्स, रेगुलेशंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना पड़ता है. यस, वी स्टार्टेड स्क्वायर 9 इन बैक इन 2018 एंड आफ्टर दैट 2019 का हमारा ईयर बहुत अच्छा रहा. दैन इन 2020 एंड 21 मिड में आपको पता है कि कोविड स्टार्ट हो गया और कोविड के टाइम के ऊपर हमने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए. ये एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी रिसेशन होता है, रिसेशन के ऊपर हमेशा बहुत से लोग होते हैं कि वो डर जाते हैं, मुल्की हालात से घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ. दुबई में जिस टाइम पे 2007 के बाद 7, 8, 9 के बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि जब लोग एयरपोर्ट्स के ऊपर अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट छोड़ के चले गए थे, भाग गए थे दुबई को छोड़ के. तो मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि डमैक हिल्स जो कि इस टाइम पे दुबई में बड़ी एक बड़ा डेवलपर जा रहा माना जाता है, उसके जो चेयरमैन है हिज नेम इज़ हुसैन संजवानी. हुसैन संजवानी ने उस 2018 के टेन्योर के अंदर जब सब लोग भाग रहे थे, घबरा रहे थे, ही यूज़ टू स्टार्ट बाइंग ऑन दैट टाइम. सेम लाइक दिस मैंने उनके बारे में सुना हुआ था तो मैंने भी वही इनिशिएटिव लिए. मैं उनकी स्टोरी से बड़ा इम्प्रेस था. देन वी स्टार्टेड बाइंग ऑन कोविड टाइम, यानी हमने प्लॉट्स लिए जो कि लेस प्राइस से मार्केट में मिल रहे थे. लोग घरों में रेस्ट कर रहे होते थे बट हम लोगों ने ये नहीं देखा कि दिन है, रात है, कोविड है, कुछ भी है. हम लोगों ने अपने प्लॉट्स लो चीप प्राइस पे बाय किए. दैट वाज अ प्रोबेबली अ टर्निंग पॉइंट फॉर स्क्वायर 9. हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह 7 to 8 प्रोजेक्ट्स हैं दे आर द बेस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट्स. बट मेरे लिए जो सबसे मेरा फेवरेट, मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट है, इट्स लोकेटिंग ऑन गुलबर्ग मेन एक्सप्रेस हाईवे और इट्स ग्राउंड प्लस 21 और इसको कॉर्पोरेट ऑफिस हम लोगों ने बनाए हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने लॉन्च किए हैं और जो अभी चल रहा है. देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट को एज अ रियल एस्टेट इंडस्ट्री को फोकस करे, उसमें ऐसे इनिशिएटिव ले, क्योंकि जिस टाइम पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री आपकी बेटरमेंट की तरफ जा रही होती है उस टाइम आप लोगों का हमारी मुल्क का ग्रोथ रेट जो है बेटर होता है. मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि रियल एस्टेट के लिए कुछ ऐसी पैकेजेस और कुछ इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाएँ जिसमें इस इंडस्ट्री को दोबारा बूम मिले. और इंशाल्लाह ताला हम बीइंग एज अ बिल्डर हम कभी डिसअपॉइंट नहीं हो करेंगे आपको और इंशाल्लाह मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए जो मैक्सिमम इनिशिएटिव्स होंगे वो हम लेंगे. देखिए, पाकिस्तान की जो कंस्ट्रक्शन है हमारी, इट्स प्लेज अ मेजर रोल. हमारा 2% ऑफ GDP जो कि एक सपोर्ट कर रहा है हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को. एंड पाकिस्तान की ओवरऑल टोटल जो रियल एस्टेट की अगर हम एवेल्यूएशन लगाएं फ्रॉम 2021 टिल नाउ 2023, इट्स अराउंड 5.2 trillion. सो अभी डेवलपमेंट सेक्टर्स पाकिस्तान में अंदर जितनी डेवलपमेंट पास्ट 2 and 3 years में हुई है, अगर उसी ग्रोथ रेट से उसी तरह डेवलपमेंट होती रहे तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में उन ममालिक्स में शुमार होगा कि जो कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क होंगे. और बहुत ही अच्छी इकॉनमी हमारी ग्रो कर रही थी लास्ट 3, 4, 5 ईयर से, बट अनफॉर्चुनेटली
just cause of overall हमारी पूरी दुनिया ही इस time crisis में है, but still अगर इस industry को promote किया जाए, इसके ऊपर focus किया जाए, तो इंशाल्लाह ताला ये industry पाकिस्तान को किसी ऐसी जगह पर ला के खड़ा कर देगी कि जो कि जिसमें हमारी job opportunities, हमारा growth rate और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान किसी अच्छी जगह पर जाके स्टैंड करेगा जहाँ पे ओवरसीज लोग यहाँ पे इंशाल्लाह आएंगे। मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है जो यंग जनरेशन है ख़ास तौर पे, तो ये हमारा जो सोशल मीडिया है इसको अच्छे काम के लिए यूज़ करें, ऐसी जगह पे इसको हिट करें जो कि कल को आपको इससे फ़ायदा हासिल हो। हमारे पाकिस्तान में नॉर्मली लोग इसको नहीं कर रहे, बट डिजिटली नाउ इट्स ग्रोइंग डे बाई डे। सो माई रिक्वेस्ट ये मेरी है आप लोगों से, तो प्लीज़ इसको फोकस करें। एज इन रियल स्टेट फर्म आप लोगों के पास हम लोग अवेलेबल हैं, ये प्लेटफॉर्म है, आप हमारे पास आएँ, आप लोगों को ओपन ऑफर है और हम आपको ट्रेन भी करेंगे, हम आपको आगे लेके जाएंगे और जो बेस्ट से बेस्ट हुआ वी आर हेयर टू सपोर्ट।